साथ एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक चल रही है इस समय। नवनियुक्त कोऑर्डिनेटर के साथ प्रदेश प्रभारी की यह बैठक लगातार जारी है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया की अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन हो रहा है और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान समेत कई नेता मौजूद है। काफी अहम बैठक मानी जा रही है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस पर सत्ताधारी पार्टी हमेशा संगठन को लेकर हमलावर रही है, तो अब संगठन बढ़ाने की तरफ कांग्रेस तेजी के साथ प्रयास कर रही है और वो प्रयास अब कदम ताल करते भी नजर आ रहे हैं। एक कदम दर कदम अब कांग्रेस जो आगे बढ़ रही है, क्योंकि 2024 में देखिए लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव है, दोनों को टैकल करना है कांग्रेस को और उससे पहले संगठन खड़ा करना बेहद ज्यादा जरूरी। और नए प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया लगातार इस कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी जानकारी दर्शकों को बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजधानी दिल्ली से जुड़ चुके हैं हमारे साथ गुलशन ग्रोवर। गुलशन, देखिए काफी अहम बैठक कांग्रेस की तरफ से, क्या मायने देखते हैं आप इसके गुलशन, क्योंकि 2024 में दो बड़ी चुनौतियां कांग्रेस के सामने खड़ी हैं। देखिए वतन, बिल्कुल ये बैठक हरियाणा कांग्रेस की जो दिल्ली में आज चल रही है बड़ी ही अहम बैठक की मानी जा रही है, क्योंकि हाल ही में जो 22 दिनों जिनके जो ऑब्जर्वर बनाए गए हैं उनकी ये बैठक हो रही है जिससे कि संगठन का विस्तार हो सके, क्योंकि काफी लंबे समय से कांग्रेस का जो संगठन है नहीं बन पाया है, चाहे वो जिला की बात हो चाहे वो बूथ स्तर की बात हो। तो ऐसे में कांग्रेस अपने आप को अब संगठन पर पूरी तरह से मजबूत होना चाहती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कांग्रेस में कई नेताओं की जो बयानबाजी भी इसको लेकर के सामने आई थी कि पिछले अगर 9 साल की बात करें तो 9 साल में संगठन बिल्कुल भी नहीं बना, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष जब अशोक तंवर रहे उन्होंने भी बनाने की कोशिश की, प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा रही उसके बावजूद भी नहीं बना। अब प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जब बने हैं तो उसके बाद जरूर संगठन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई, और अब प्रभारी दीपक बावरिया की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। 22 जिलों के कल ही कोऑर्डिनेटरों की एक लिस्ट आई थी, आपने वो लिस्ट में हर जिले के प्रभारी जो है बताए गए थे, अब वही यहाँ पर तय करेंगे कौन जिला का कौन स्तर के जो मंडल अध्यक्ष होगा, पूरी जो की कार्यकारिणी है वो किस तरीके से रहने वाली, तो इसको लेकर के एक बढ़िया के मानी जा रही है। हुड्डा भी मौजूद है, इसके अलावा उपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद, तो 22 जिलों के अध्यक्ष बनाए गए हैं बैठक में मौजूद है। तो ऐसे में इस बैठक का कष्ट चलता है ये इतना होगा, क्योंकि हम बैठकों का गौर पहले कांग्रेस में संगठन की लेकर पहले भी बैठे बिल्कुल, लेकिन इस बैठक से क्या कुछ कष्ट चलता है, क्या बाकी का कांग्रेस का ग्राउंड पर दिखेगा ये होगा, क्योंकि चुनाव सवार की बात करें या भाजपा की बात करें पहले यदि कांग्रेस अगर मजबूत होता है फायदा हो सकता है। हालांकि संगठन पूरी तरह से मजबूत है अध्यक्ष ओम प्रकाश नजर आ, और कल उन्होंने खुद थोड़ी बैठक भी दिल्ली में जो बीजेपी के प्रभारी है सुषमा देव से आवाज पर की थी, उसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद थे। तो हालांकि वो भी संगठन को मजबूत करने के लिए और आगामी कार्यक्रम, लेकिन आज जो दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की जो बैठक है दीपक बावरिया जो कांग्रेस के प्रभारी है हरियाणा के उनसे बैठक हो रही है, तो ये बैठक कितने महत्वपूर्ण बैठक अगर ये खत्म होने के बाद ये देखना होगा, क्योंकि जब वो मीडिया से रूबरू होंगे तो इसके बाद बैठक में क्या कुछ निष्कर्ष निकला है, क्या तब तक जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो जाएगी, क्योंकि काफी समय से लंबी लिस्ट जरूर तैयार की गई है हर, क्योंकि हर नेता कांग्रेस के बड़े नेता है, चाहे वो किरण चौधरी हो कुमारी शैलजा हो, तो उन्होंने अपने अपने जिलों जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए तो उसके अपने अपने लोग हैं, उनके लॉबिंग भी उन्होंने लगातार की है होने तक, लेकिन अब दीपक बावरिया का फैसला करते इसको जिला अध्यक्ष बनाते हैं। हालांकि सभी नेता अपने अपने लोगों के देंगे, लेकिन यहाँ पर क्या नजर बनाए रखेगा गुलशन इस बैठक पर, जानकारी समय समय पर लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए, जुड़ने के लिए।
तो नवनियुक्त कोऑर्डिनेटर के साथ प्रदेश प्रभारी की जो बैठक है वो जारी है, नजर बनी हुई है, पल पल की अपडेट्स आपको देते रहेंगे।